नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रश्मि और मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आया करें, सरल लगा करें, इजी लगा करें, आपके काम के हों, तो उन्हें लाइक कर दिया करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें कि वो आपको कैसे लगते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ उबले हुए आलू की ज़रूरत होगी, जिसे हम अच्छे से मैश करेंगे। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं उबले हुए आलू, जितना ज़्यादा बनाना चाहें। और यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गाजर है, इसे डाल देंगे। अगर आपके पास गाजर ना हो, आप इसमें हरा मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हरे मटर को थोड़ा दरदरा करके पीस लीजिए, कच्चे मटर को ही। या फिर आप पनीर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। हरा मिर्च और हरा धनिया डाल देते हैं, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल लेते हैं अच्छे से कलर के लिए, और धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, आमचूर पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच, जीरा डाल देंगे 1/4 चम्मच। आमचूर पाउडर ना हो तो रहने दीजिए, मत डालिए। और डालेंगे इसमें गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच। और अब इस सब को हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप इसमें अपने मनपसंद कोई मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप मैजिक मसाला वगैरह डालना चाहते हैं तो आप इसमें बेशक डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक रेसिपी बता रही हूँ आपको। और ये जल्दी से तैयार भी हो जाती है। गाजर को महीन महीन कद्दूकस कर लेना है, काटने का भी झंझट नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बची हुई गाजर भी मैं डाल दे रही हूँ अच्छे से, जिससे कि हेल्दी क्वोशेंट भी इसमें आए। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा नाश्ता, उनके टिफ़िन में दीजिए, या फिर कोई मेहमान आने वाले हैं आप उनको भी खिला सकते हैं। ये गेहूं के आटे और आलू से ही बनता है, इसलिए इसमें लागत भी ज़्यादा नहीं है और सारी चीज़ें घर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं। इसे एक तरफ रख देते हैं और गेहूं का आटा लगा लेते हैं। आटा मैंने यहाँ गेहूं का आटा, जो रोटी बनाने के लिए हम लगाते हैं वैसा ही आटा हमें लगाकर तैयार करना है। टाइट आटा लगाना है थोड़ा सा। आटे में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, तेल या नमक, सादा आटा है ये। आप चाहे तो आटे की जगह मैदा ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मोयन आपको लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ा हेल्दी उसको ध्यान में रख रही हूँ, इसलिए मैदा नहीं यूज़ कर रही हूँ, गेहूँ का आटा ही यूज़ कर रही हूँ, जो पचने में बहुत ही आसान होता है। इसे रोल करेंगे, इसके थोड़े बड़े बड़े साइज़ के पेड़े हम काटेंगे, यानी कि लोई बनाएंगे। हमें थोड़े बड़े साइज़ के चाहिए, बड़ा बनाएंगे, इसलिए बड़ा बना रहे हैं यहाँ पर। आप छोटा भी बना सकते हैं आगे जब आप देखेंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा रोल बनकर तैयार होगा और एक बार में ही हम कई सारे इसके बना पाएंगे, जो भी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। ये टिक्की के शेप जैसा, बेसिकली ये टिक्की बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे हम सूखे आटे की मदद से इसे बेलेंगे, रोल आउट करेंगे। पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना है, और थोड़ा बड़ा ही रोल करना है हमको, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करें, बहुत ही इजी है ये बनाने में। अच्छी सी पतली सी रोटी एक बनाकर तैयार करेंगे, तो इससे होगा ये कि पकाने में बहुत आसानी होगी, जल्दी से पक कर तैयार होगा। कुछ इस तरह से इसको पलटते हुए, बहुत ज़्यादा लास्ट में इसमें सूखा आटा मत लगाइए, अदरवाइज फिर ये चिपकने में दिक्कत करेगा। इस तरह की मैंने ये रोटी बेल ली है, थोड़ी बड़ी सी, और चारों तरफ से देख लीजिए कहीं से भी ये मोटी ना रहे। अब इसमें हम स्टफिंग लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें आटे के साथ सूजी भी गूंद सकते हैं, तो और भी कुरकुरा नाश्ता आपका बनकर तैयार होगा। अब ये जो स्टफिंग है, इसको हम रखेंगे। बड़ा सा हमारा जो रोटी है वो बड़ी है, तो स्टफिंग भी थोड़ी ज़्यादा ही लेंगे, या फिर आपके पास कम है तो आप कम कम भी भर सकते हैं। अब एक चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से, कुछ फ्लैट सी चाहिए आपको या फिर बटर नाइफ की मदद से, हम इसको स्प्रेड करेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं हमें इसी तरह से। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्पैचुला या कुछ भी नहीं है फ्लैट चीज़, या फिर चम्मच से भी किया जा सकता है। बस ध्यान दीजिए कि नीचे वाली रोटी फटनी नहीं चाहिए। इसे चारों तरफ पे फैलाना है हमें पूरी रोटी में, कुछ इस तरह से। अब हम इसे रोल करेंगे आसानी से, थोड़ा ध्यान से रोल करेंगे। वैसे ये बहुत आसान है बनाने में,
तो देख रहे हैं ना, जितनी बड़ी रोटी बनाएंगे उतना बड़ा रोल बनकर तैयार होगा। और इसकी साइड्स को अच्छे से लॉक कर दीजिए। अगर ये साइड ना चिपक रही हो तो थोड़ा पानी लगा लीजिए यहाँ पर और सील कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक मोटा सा रोल हमें तैयार करना है। ये रोल तैयार है, तो इसके थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते हैं जिससे कि ये चिपके नहीं ज़्यादा। सॉरी, आटा लगाया है मैंने यहाँ पर। इसकी साइड्स को अलग करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। अब इसके हम कुछ एक एक इंच के टुकड़े काट लेते हैं इस तरह से। बड़ा बनाना चाहे तो बड़ा काट सकते हैं। अब इसे थोड़ा गोल करेंगे इस तरह से, हाथों में रख के, हथेली में रख के इस तरह गोल करेंगे और ऊपर से प्रेस कर देंगे। जेंटली प्रेस करना है, तो इस तरह का डिज़ाइन आना चाहिए बनकर। ये देखिए, कुछ इस तरह का पिन व्हील जैसा आएगा डिज़ाइन बनकर। इसी तरह से बस गोल कर लीजिए और फ्लैट कर लीजिए इनको, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपके हाथों में चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा सूखा आटा या तेल की मदद ले सकते हैं। मैंने इसमें कम से कम तेल यूज़ करने की कोशिश की है। और देखिए, इस तरह से ये बनकर तैयार हैं। इसी तरह से सारे रोल आउट कर लीजिए और अपना मनपसंद, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा तीखा बनाइएगा तो अच्छे से तैयार होगा। ये देखिए, कुछ मैंने बनाकर तैयार किए हैं। अब इसको हम थोड़ा तलेंगे, तो हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हम शैलो फ्राई करेंगे। तो पैन ले लिया है, आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर इन्हें तलना चाहें तो। मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने बनाकर तैयार किए हैं इनको हम डाल देंगे। एक बार में जितने आ जाएं उतने डाल दीजिएगा। अगर नॉनस्टिक पैन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी चिपकने की भी। 4 चम्मच तेल में मैं इतने सारे बना लूँगी, पूरे ये बन जाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा तेल नहीं चाहिए इसके लिए। और इन्हें धीमी आँच पर या मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अच्छा सा कलर आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा फ्लेम का कि ये जल ना जाए, और इन्हें हम पलटते हुए पकाएंगे। ये अच्छे से देखिए, नीचे से थोड़ा टाइट हो गए हैं, तो अब मैं इनको पलट दूंगी। तो देखिए, बढ़िया कलर आ गया है। अगर आप मैदा से बनाएंगे तो ये और भी अच्छे लगेंगे देखने में, लेकिन हेल्दी उतने नहीं होंगे। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप अपना मनपसंद बना सकते हैं जो भी आप पसंद करते हो। देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आया है और बढ़िया कुरकुरा टेक्सचर भी आया है। पलटकर दोनों साइड से पकाएंगे। फ्लेम का ध्यान रखिएगा, इन्हें बर्न नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया डार्क कलर आया है, क्योंकि धीमी आंच पर कुछ देर के लिए पकाया है। दोनों साइड से अच्छे डार्क ब्राउन हो गए हैं, ये कुरकुरे हो गए हैं, तो पक गए हैं। अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में, और इसी तरह से बाकी जो बचा हुआ तेल है उसमें हम बनाकर रेडी कर लेंगे। इन्हें अब आप चटनी वगैरह के साथ में खा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।